एवरीवन, वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपने जो गणेश चतुर्थी वाले दिन है उनको एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है। हाँ बेटा, आदि देख क्या रहा नन्नू क्या उदम कर रही है। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है। किससे? तो नन्नू अभी रुक, मैं आ रही हूँ। गधा कौन है हमारे घर में? और डंकी और गुंडा और नकटा आप ही हो सारे हैं? आप नकटे हो तो चोरी क्यों कर? क्यों मंदिर में से कौन पैसे चोरी करता है? खाए आपके पैसे? खाए बता। चोरी नहीं करते, हाथ जोड़ दो, ऐसे जोड़ो, हाथ जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, जोड़ो ऐसे, ढोक दे दो नीचे करके, ढोक दो ऐसे। आपने जय जय करी है, है? आपने करी जय जय? वेरी गुड। हैं सुबह लड्डू किसने चोरी करे? लड्डू मैंने। क्यों मैंने खाई? क्यों आपने चोरी करी लड्डू? हाँ, क्यों भैया? चोरी करना तो गंदी बात है नन्नू, हैं? चोरी क्यों करी आपने? करी करी ना, ये पापा के हाथ नहीं लगाते चल जाते हैं। ये नहीं करते बेटा, रहन दो, पैसे नहीं छोड़ते। आ जाओ, चलो आ जाओ, अब अंदर चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ तो। चलो दोनों चलेंगे। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, थोड़ा लेट आ रहा है उसके लिए सॉरी। ये क्या देख रहे हो आप दोनों? चीकू की मम्मी दूर की है। नन्नू क्या देख रहे हो? नन्ना नन्ना क्या देख रहा है? हाँ? मम्मी की देख रही है। पूरा नाम तो आया नहीं, चीकू की मम्मी दूर की मम्मी देख रही है। अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैं पूजा करने की मतलब पूजा करने का टाइम हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा अंधेरा हो चुका है बाहर। तो मैं सोच रही हूँ, मैं और अदिति सोच रहे हैं कि पूजा करेंगे, तो पूजा के लिए जो प्रसाद बनेगा वो बनेगा सूजी का हलवा। तो हम लोग बनाने वाले हैं। सुबह तो लगा दिया था भोग, सुबह की जो पूजा थी वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, बट मैं सोच रही हूँ कि अब की पूजा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूँ कि हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है? और बच्चे कोई बेचारे मासूम नहीं लग रहे मुझे तो, ये सब तरकीबें होती हैं इनकी। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं चीकू की मम्मी दूर की, ये नया सीरियल स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा है, आप लोग भी देख सकते हो अगर आपको मन करे देखने का। तो मेरे को बड़ा पसंद आता है ये वाला, अदिति भी बहुत अच्छे से देखती है। तो चलते हैं और बनाते हैं सूजी का हलवा और भगवान जी को भोग चढ़ाना है उसी का ही, फिर बनाऊंगी खाना वगैरह। खाना देखती हूँ क्या बनाना है, अभी डिसाइड नहीं किया, अभी हस्बैंड को कॉल करूंगी, उनकी ड्यूटी है, तो तब पता लगेगा कि क्या बनाना है, ठीक है? तो जल्दी से बनाते हैं पहले सूजी का हलवा, पट्ट देनी से बना लेते हैं, फिर प्रसाद लगाना, भोग लगाना है ना गन्नू भगवान जी के। तो चले आदिति बनाने। हमारे घर पे आए थे पास वाले भैया, जो कि उनका जो नया वाला घर बना है बहुत अच्छा घर बनाया है उन्होंने, तो उसका इनविटेशन देने आए थे। अगर हम लोग जाएंगे, पक्का पक्का जाएंगे, वो बहुत बहुत ज़्यादा
क्या हुआ? तो उन लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया है कि आप जरूर से जरूर आना, तो मैं आपको उनका इनविटेशन दिखाती हूँ जो देके गए हैं वो, और अभी फिर उसके बाद जाऊंगी किचन में। ये है उनके घर का, न्यू घर का गृह प्रवेश जो बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने इतना प्यारा घर बनवाया, उन्होंने बहुत प्यारा, मैं दिखाऊंगी अगर हो पाएगा तो। तो 16 तारीख का है फंक्शन, तो ज़रूर जाएंगे और आपको भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरीके से खाना खिलाते हैं, किस तरीके से होता है फंक्शन वगैरह। और ये वाला जो इन्विटेशन है वो छपवाया है उन्होंने अंदर से, पता नहीं कैसा, मैंने देखा नहीं है। ये है उनके गृह प्रवेश का जो कार्ड आया है हमारे पास, वो तो जो यहाँ के जो कोई जो बोलते हैं नेता नंगड़ा, वो भी आने वाला है, कोई पता नहीं कौन आने वाला है, मैं तो जानती नहीं हूँ, पर ये उन्होंने छपवाया है उनके इनविटेशन के लिए। काफ़ी अच्छा सा कार्ड छपवाया, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो चलेंगे पक्का 16 तारीख को, और आप लोगों को भी लेके जाऊंगी साथ में, ठीक है। हो रहा है मंदिर में थोड़ा सा अंधेरा, तो मैं सोच रही हूँ लाइट वगैरह जो है इसकी ऑन कर देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं जाऊँगी हलवा बनाने के लिए। और यहाँ पे जो लाइट है वो जल चुकी है हमारे मंदिर की, कितना अच्छा लग रहा है ना अदिति, देखो मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, बेबी कितना प्यारा लग रहा है देखो। तो अभी पूजा बाद में करेंगे, पहले हम लोग बना लेते हैं हलवा प्रसाद के लिए। अदिति, मेरा ऐसा मन करता है सारे दिन मैं इसके पास में बैठ जाऊं और यहीं पे बैठ के पूजा करूं, बैठूं, बातें करूं आराम से, बट इतना नहीं बैठ सकती, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता यार इतना सारा। तो चलते हैं किचन में, आप मेरी हेल्प करो, अदिति करेगी मेरी हेल्प हलवा बनाने में, हलवा बनाएंगे। मैं आ चुकी हूँ किचन में और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने घी, कितना डाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ इतना सा घी डाला है, अब इसको गर्म करने के लिए रख देंगे और फिर बनाना स्टार्ट करेंगे भगवान जी के लिए सूजी का हलवा। सूजी रखी हुई है थोड़ी सी, है थोड़ी सी क्या, काफी है, तो बीतेगा भी नहीं इतना हलवा बन जाएगा इसका। तो इसको रख देती हूँ सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि घी हो रहा है अभी गरम, और फिर बनाएंगे सूजी का हलवा। हाँ ये वाला ले लूँ मैं, क्या ले लो, धीरे से निकाल के उसको बंद कर कलर करोगे कैसे आप, कैसे निकालूंगी पापा ने पूरा वेट करो मम्मी निकालेगी, पर नन्नू और मांगेगी फिर आपसे कलर सर वे इन्हें रख के जाओ आपके इन्हें लो, चलो भागो भाग जाओ। और कड़ी के लिए वो आया कि कड़ी बनानी है, तो कड़ी बनाऊंगी पतली सी, बोलिए बिल्कुल पतली सी, पानी जैसी पतली बनानी है। तो मैं बनाऊंगी सिर्फ कड़ी हरी मिर्च की और थोड़ा सा लहसुन, और डालूंगी तो मटर डालूंगी थोड़ी सी बस। तो देखते हैं कैसी बनती है कड़ी। तो यहाँ पे घी हो चुका है गरम अच्छे से, ये देखिए, अब इसके अंदर ऐड करेंगे सूजी। अच्छा सूजी के जो सूजी का जो हलवा बनाते हैं ना, उसमें हल्का सा घी ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छा बनेगा, और सिकने में भी थोड़ा अच्छी होगी ज्यादा तरीके से, मतलब सिक अच्छा जाता है घी, अगर घी ज्यादा है तो अच्छे से सिकने में मतलब अच्छा होता है, सिक अच्छे से जाती है सूजी। तो यहाँ पे हलवा जो है वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको घी इतना लेना है जो सूजी के ऊपर तक बिल्कुल होना चाहिए, मतलब सूजी उसमें ढक जानी चाहिए बिल्कुल इस तरीके से, आपको साइड में घी छोड़ दे इतना घी लेना है आपको, ठीक है, ताकि उससे क्या सिकने में थोड़ी सी अच्छी सूजी सिकेगी और आपका जो हलवा है वो टेस्ट अच्छा आएगा उसका। और यहाँ पे मैंने कुछ काजू के दाने लिए और थोड़ी सी मैंने ली है किशमिश। तो यहाँ पे जो मेरी सूजी है वो काफी हद तक आप देख सकते हो सिक चुकी है, तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, और घी आप देख सकते हो काफी सारा छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर अपन ऐड करेंगे पानी, और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करने हैं वो बाद में ऐड करूंगी। अभी यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी, अब ये अच्छे से पक जाएगा, फिर उसके बाद में अपना जो हलवा है वो रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर फिर डालनी है शुगर, और उसके बाद ऐड कर देंगे इनको। तो यहाँ पे जो हमारा हलवा है वो बनके हो चुका है बिल्कुल तैयार, मैंने थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि जब ज़्यादा देर इसको रख देते हैं ना तो ये रखे रहने के बाद में जम जाता है। और यहाँ पे लिया है मैंने गन्नू भगवान जी के लिए, बेबी कॉर्न मतलब मक्का लिया है क्योंकि मक्का बहुत ज़्यादा पसंद है गणेश जी को,
तो करते हैं पूजा। और ये नन्नू की आदत ऐसी ज्यादा खराब हो गई, सारे दिन मंदिर में खड़ा रहता है, गधा खाएगा। मैंगो बनाया आपने, कलर किया इस पे, वेरी गुड। चलो पूजा करते हैं, आ जाओ। तो भगवान जी को चढ़ाना है भोग। तो भोग बन के भोग बन के हो चुका है तैयार। तो सबसे पहले दीपक लगाएंगे और भगवान जी को चढ़ाएंगे गर्मा गर्म हलवा, मतलब ठंडा हो चुका है, इतना गर्म तो नहीं है अभी। तो चलो हो जाए तैयार, हो गए। तो शाम की पूजा का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दीपक और आप लोग भी मेरे साथ भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। मम्मी नहीं तो थोड़ा सा बेटा नीचे नहीं गिराना, बस बस बस। रख दो नीचे, चलो आरती करो। दूसरा वाला फोन खाया आरती चलाने के लिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू अन्न हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। और अभी हमारा मंदिर जो है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है। अभी लाइट वगैरह चल रही है यहाँ पे, थोड़ी देर बाद में बंद करूंगी, अभी बंद नहीं करूंगी क्योंकि अच्छा लगता है इस तरीके से होता है तो कुछ। और बहुत अच्छी सी लाइट, मतलब अब की बार मैंने डेकोरेशन ज्यादा अच्छा किया है पिछली बार की बजाय। अब की बार डेकोरेशन के लिए सारी चीजें मिल गई थी मुझे, ये वाली फूल माला वगैरह सब कुछ। तो अब खाना बना लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद में करेंगे आप लोगों से बात। अभी घर का हो चुका है सारा काम खत्म और अभी मैंने मंदिर की लाइट वगैरह बंद कर दी है, दीपक जल रहा है, दीपक जलता रहेगा। तो अभी फेस वगैरह वॉश कर लूँ, खाना वगैरह खा लिया है और खाना इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बनाया था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना टेस्टी बना था। हलवा तो बहुत अच्छा बना था क्योंकि भगवान जी का भोग चढ़ाया था। और ऐसे कहते हैं कि मतलब नॉर्मल जो चीज़ बनाते हैं वो इतनी अच्छी नहीं बनती, पर जब भोग के लिए किसी प्रसाद के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। तो बहुत टेस्टी बनी थी, कड़ी बहुत अच्छी बनी थी, जैसी इसके पापा को खानी थी, अदिति के पापा को, वैसी की वैसी कड़ी बनी थी बिल्कुल। तो वो बोल रहे थे दिल खुश हो गया आज तो तूने कड़ी बहुत अच्छी बनाई, और वैसे तो मेरे हाथ से कड़ी फट जाती है पर आज कड़ी फटी भी नहीं थी और बनी भी बहुत टेस्टी थी। और साथ के साथ राइस बनाए थे, राइस भी बहुत टेस्टी बने थे। तो अभी सारा काम खत्म करके मच्छर ने खा लिया शायद, चीटी खा गई चीटी, तो इतनी जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी सारा काम खत्म हो चुका है तो मैं अपना जो फेस है उसको वॉश करके उसके बाद मैं जाऊँगी सोने के लिए। और मंदिर की लाइट वगैरह मैंने बंद कर दी है। और मैंने आपको बताया था कि भैया आए थे वो इनविटेशन देने पास वाले, तो हम लोग बैठ गए थे फिर खाना वाना बनाने के बाद, और बात बात करने लग गए दोनों हस्बैंड वाइफ। थोड़ी देर बैठ जाते हैं बच्चों के साथ, वैसे तो टाइम नहीं मिलता पर खाना खाते टाइम थोड़ा सा खाना खाते खाते बैठ जाते हैं तो बात करने लग जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, तो अभी इस ब्लॉग को करेंगे एंड और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। आज सेकेंड डे था उसका गणेश चतुर्थी का, सेकंड डे था आज, काफ़ी अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं है। और कल तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था मुझे फर्स्ट डे के दिन तो, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैं मिलूँगी आपसे अच्छे से ब्लॉग के साथ कल, अच्छी बातों के साथ, ठीक है। और दर्शन मैंने करा ही दिए आप लोगों को मेरे गणपति पापा के,